मुंबई में सैम बहादुर की रैप अप पार्टी रखी गई, जहां फिल्म के स्टार कास्ट विक्की कौशल, फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा पहुंचे। बी टाउन की मोस्ट अवेंटेड फिल्म सैम बहादुर जल्द ही सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और बीती रात इसकी रैप अप पार्टी भी रखी गई थी। फिल्म की रैप अप पार्टी में डायरेक्टर राइटर मेघना गुलजार, रॉनी स्क्रूवाला, विक्की कौशल, फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा दिखाई दिए। वहीं पार्टी में फातिमा सना शेख ने ग्रे ब्लैक शाइनी स्टेपलेस बॉय कॉन्ट्रेस्ट में पहुंची। उन्होंने हुप्स और खुले बालों से अपने लुक को पूरा किया था। कम मेकअप में भी उनका ग्लैम ऑन पॉइंट था। वहीं फातिमा के इस अंदाज को देख फैंस का सर एक बार फिर चकरा गया। दरअसल फातिमा के इस लुक को देखने के बाद फैंस ने जमकर उनकी तारीफें की, तो ट्रॉलर्स ने उनकी क्लास लगाना फिर से शुरू कर दिया। दरअसल फातिमा के फेस को देखकर और उनके अटपटे अंदाज को देखकर लोग एक बार फिर से कयास लगा रहे हैं कि वो नशे में है। दरअसल फातिमा जैसे ही पेपराज़ी के सामने पोज देने आती है, वैसे ही वो अलग सब बिहेव करने लगती है और उनके फेस में साफ देखने को मिल रहा है कि फातिमा ड्रंक है। उनको देख लोग जमकर फिर से एक बार फातिमा की क्लास लगाते नजर आए हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि फातिमा अपने नशे में होने को लेकर ट्रॉलर्स के निशाने पर आई हो। कुछ वक्त पहले भी फातिमा को हुमा कुरैशी के साथ देखा गया था, उस वक्त भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि फातिमा नशे में है। वेल, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी भी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाकी ऐसी ही चटपटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।